बजरंग बली जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंग बली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंग बली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंग बली बालक समान भी हैं। उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है, वो मुस्कराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंग बली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। कुछ लोग हैं जो फिल्म को टारगेट आज से नहीं डे वन से कर रहे हैं। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया, मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूँ ये बहुत दुखद सत्य है, 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है, ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है। अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप समझा जाता था। लंका लगा देना आज के अगर आप प्रारूप, एक तो लंका लगा देना अभी भी असंसदीय नहीं है, लंका लगा देना एक कोलोकियल, एक स्लैंग है, एक भाषा है कि जलेगी भी तेरी या जलेगी भी तेरे बाप की, ये तो बाकायदा लोगों ने बोली हुई है लाइन, ये वाचन परंपरा का हिस्सा है। ये लाइन अगर मैंने लिखी होती तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि ये खराब लाइन नहीं है, ये बहुत अच्छी लाइन है। असुरों का अपमान कैसे हो सकता है? अब तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि रावण के बारे में तो आप बुरा बोल ही नहीं सकते। अब मैं किस किस को जाके बताऊं, कितने इंटरव्यूज करूं मैं, कितने वीडियोस बनाऊं ये बताने के लिए कि रावण वाज अ सीरियल मोलेस्टर, एक नहीं अनेक युवतियों का शील भंग किया था उसने, वेदवती का शील भंग रावण ने किया। ऐसा थोड़ी था कि कोई एक घटना हो गई उसके हाथों, एक भी निंदनीय है, एक भी अक्षम्य है, लेकिन एक नहीं था, अनेक थे।